पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच वालों लगातार 42 कैंप असी लगा चुके हाँ। 43वां कैंप मेरे साथी बोविन शर्मा जी गुरु नानकपुरा च लगाया होया है और हर बस्ती दे विच असी कैंप लगाए है। असी धन्यवाद करना चाहते हैं भारत की सरकार का, धन्यवाद करना चाहते हैं भारत माता के महान सपूत नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीनेशन फ्री कर दिती है। पंजाब प्रांत के लोग देख रहे थे जो कोरोना की वैक्सीनेशन पंजाब प्रांत के अंदर आई सी तो वैक्सीनेशन की भी ब्लैक होने लग पई सी। जदों भारत माता के महान सपूत ने देश दी परिस्थितियां देखिया कोरोना की वैक्सीनेशन लैके, उन्होंने कोरोना की वैक्सीनेशन फ्री करती है। मोदी जी ऋणी है भारतवासी तुहाडे, पूरे विश्व के 8-9 मुल्क है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीनेशन तैयार की है, उन्होंने भारत का नाम आया है, साढ़े भारत का नाम आया है। तुहाडा धन्यवाद करना चाहते हैं भारत की सरकार का। और मैं पंजाब के नौजवानों समाजिक संस्थावान कहूँगा, राष्ट्र भगत नौजवानों तुहाडा कर्तव्य बनता है कोई परिवार ऐसा ना बच जाए जिन्ह के कोरोना की वैक्सीनेशन ना लगी हो, तुहाडा फर्ज है। हर वार्ड के हर अपने आंढ़ गुआंढ को पुछिए, जिन्हें इतने कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाण आए हैं उन्हों का फर्ज है अपने आंढ़ गुआंढ पुछिए तुहाडी वैक्सीनेशन लग गई है कि नहीं लगी, ये साडा कर्तव्य बनता है। आओ सारे रल मिल के इस भारत देश नूं कोरोना मुक्त बनाइए। ये सारिया ने रल मिल के समाजिक संस्थावां पंजाब प्रांत के अंदर लगिया हुई ने। मैं DC साहब का धन्यवाद करना चाहता, सिविल सर्जन साहब का भी धन्यवाद करना चाहता कि जो भी असी प्रार्थना पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ने की है सानू समय समय से कैंप देंदे और असी कैंपा का आयोजन करते हाँ, काफ़ी संख्या के लोग आते हैं। और मेरी DC साहब न प्रार्थना है कि DC साहब और सिविल सर्जन साहब हर वार्ड वाई बूथ वाई कैंप लवाओ, यही 1000 डोज कितने दे देती है, लोग भटक रहे हैं किराया खर्च के जाते हैं। हर बूथ स्तर पर जो कैंप लग जाएंगे सारे कोरोना की वैक्सीनेशन लग जाएगी। इन शब्दों के नाल जय हिंद जय भारत। अज 250 डोज इतने आई है, 250 दूसरे कैंप च डोज आई है।